उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए गुजरात के युवा नेता हार्दिक पटेल आज कुशीनगर में हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे यहाँ की कुछ राजनीतिक चर्चाओं पे, राजनीतिक गलियारों में हो रही बातों पे। हार्दिक जी, सबसे पहले तो क्या गुजरात के दौरे पर है, इसका एक बहुत राजनीतिक नेता निकाला जा रहा है कि क्या 2019 के लिए कुछ तैयारी? हम उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, इसका मतलब यह नहीं कि राजनीतिक है। यहाँ पर लोगों को मिलकर उनकी समस्या को समझना है ताकि अगले 5-7 साल में जब भी मैं पूरे हिंदुस्तान को घूम लूँ तो उन समस्या का समाधान निकाल पाऊँ। हमारे समाज के लोग हैं, हमारे भारतीय लोग हैं, तो उन लोगों को मिलकर कुछ अच्छा और बेहतरीन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई राजनीतिक चीज नहीं है। अगर किसान और युवाओं की बात, महंगाई, भ्रष्टाचार की बात, उसके खिलाफ बात करना, मुझे नहीं लगता है कोई राजनीतिक चीज हो सकती है। सामाजिक चीज है और राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ने का प्रयास है। जिस तरह से पिछले 4 महीनों में बलात्कार की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ी, कानून व्यवस्था पूरी से ध्वस्त हो गया है, बुधन शरीर में एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती है, राम मंदिर के नाम पर, भगवान की जातियों के नाम पर जो राजनीति होती है, ऐसी तो हम राजनीति नहीं कर रहे ना, हम तो सवालों वाली राजनीति करते हैं कि आप लोग ये गलत करते हो, इसका जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम मिशन 2019 का नारा लेकर और मोदी को आगे करके चल रहे हैं। आप गुजरात से हैं, उनके गृह प्रदेश से हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं। अगर आप जो कोई काम गलत करोगे उसके खिलाफ जनता आवाज उठाएगी, और जनता आवाज उठा रही है, अपने अधिकार की मांग कर रही है। जो वादे हुए थे 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, किसानों की कर्जा माफी होगी, किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी, गन्ने का दाम मिलेगा, गेहूं का दाम मिलेगा, इन सारी चीजों के खिलाफ हम लोगों की आवाज है। बस उस आवाज को बुलंद करने का हम प्रयास कर रहे हैं। 2019 में और दल महागठबंधन की शुरुआत कर रहे हैं, इसको आप एज ए युवा किस भाव से? गलत और बुरी ताकतों के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए और संविधान को बचाना चाहिए। सूर्य प्रकाश राय, ईटीवी भारत, कुशीनगर।